हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है आपका, और ये प्रधान शिक्षक परीक्षा और प्रधानाध्यापक परीक्षा दोनों की एग्ज़ाम की डेट आ गई है। एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है, आप लोग अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे, और जो लोग नहीं किए हैं कर लीजिए। अभी आपको जिला पता चल गया होगा और कोड पता चल गया होगा, सेंटर कोड। 25 तारीख के बाद आप लोग को सेंटर भी पता चल जाएगा, ठीक है। कहाँ कहाँ किन का सेंटर होगा मैं उसका लिस्ट आप लोग को भेज दूंगा, ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा। और ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको सारे मटेरियल भी वहाँ मिल जाएगा, समान अध्ययन DLED का यूनिट वाइज मिल जाएगा, टेस्ट मिल जाएगा, वन लाइनर मिल जाएगा। दोस्तों आज जो यहाँ पर टेस्ट हम लोग देखेंगे 37 नंबर नहीं होगा, ये टेस्ट नंबर आपका 38 होगा। 38 नंबर टेस्ट देखेंगे, 37 तक आपका कंप्लीट हो गया है। 38 नंबर में हम लोग आज देखेंगे महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में आपके आने वाले हैं, और इसका पूरा हम लोग डिस्क्राइब भी करते हुए चलेंगे जहां तक हो सकेगा, ठीक है। तो 1 से 1.25 घंटे की ये भी लगभग क्लास होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। GK भी देखेंगे, GS भी देखेंगे, करेंट अफेयर भी देखेंगे, सारे सवालों को दोस्तों यहां पर अभी देखते हुए चलेंगे, है ना। साइंस के भी पोर्शन है आपका, आर्ट्स का भी है, करेंट अफेयर भी है, 75 प्रश्न है दोस्तों। तो आराम से आप बैठ जाइए और पूरा सुनते चलिए, देखते चलिए, है ना, और जो भी आपको पता है उस कॉमेंट में करते चलिए। चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। और PDF लेने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, ये मैं आपको बता दूँ। ये नंबर आपको दिख रहा है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जहां आप हमारे व्हाट्सएप में जुड़ करके सारे मटेरियल आप प्रोवाइड कर ले सकते हैं, हम प्रोवाइड आपको करवा देंगे। अभी ऑफर था, इस ऑफर का आप लाभ उठा सकते हैं जो हमारे नए लोग हैं, मात्र 251, है ना, ओनली 251 आपको पे करना होगा। ये 399 चार्ज था, इसको मात्र 251 कर दिया गया है। जितना हो सके आप इसको रिवीजन कर लीजिए फटाफट, अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, 5 से 6 दिन है, अगर करना चाहते हैं तो कर लीजिए, अन्यथा कोई बात नहीं है। ओनली 251 ये लगेगा, ये नंबर पे आपको ऑनलाइन पे करना होगा, फ़ोन पे, गूगल पे से, ये व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिएगा, वहाँ भी आप लोग को बता दिया जाएगा। और जो लोग हमारे पुराने लोग हैं उनको मात्र 101 लगेगा नए बैच में जुड़ने के लिए, और वहाँ सारे मटेरियल आपको मिल जाएंगे। चलिए उन लोगों को तो ग्रुप में भी मैं शेयर कर दिया हूँ, मैसेज कर दिया था कि कैसे कैसे आपको जुड़ना है। चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करें दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर करेंट अफेयर को देखेंगे, और ये मैथ का भी दिया हुआ है, ये अभी आप बना करके देखिएगा, इसका आंसर मैं आपको नीचे शेयर कर दूंगा। कुछ रीजनिंग भी आपको एग्जाम में पूछेगा। तो आज जो करेंट अफेयर हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों, वो देखिए पहला नंबर करेंट अफेयर क्या कह रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी लोग आ जाइए। पहला सवाल कह रहा है दोस्तों कि 2024 में नाटो में शामिल नए सदस्य कौन है। नाटो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नाटो से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नाटो एक संगठन है दोस्तों, ठीक है। नाटो का फुल फॉर्म ही क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और 2024 में नाटो में नया देश शामिल हुआ है, वो कौन सा देश है, वो देश है दोस्तों, आपको जल्दी से आप लोग अपना अपना कमेंट करते चलना है, वो देश का नाम है स्वीडन, ठीक है। स्वीडन वो देश है जो 2024 में शामिल हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल होता है, नाटो में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इसमें टोटल 32 सदस्य देश हैं, ठीक है, इसमें अभी नाटो शामिल हुआ है, तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और पहले इसमें 31 था जो स्वीडन इसमें जुड़ा है, तो ये टोटल अभी हो गया है 32, है ना। नाटो का फुल फॉर्म आपको याद हो गया। नाटो का मुख्यालय आपको पूछा जाता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय जो है इसका ब्रुसेल्स में है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स, मैं लिख देता हूँ, आप लोग इसको रट लीजिएगा, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए आखिर नाटो की स्थापना क्यों हुई थी। तो नाटो की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वो समाजवाद के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए एक गठन का निर्माण किया गया था, कब हुआ था, तो 4 अप्रैल 1949 को,
हाँ ना, कब हुआ था गठन? तो 4 अप्रैल 1949 को इसका गठन हुआ था। और अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 22 नंबर, कह रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है? तो स्वयं का जो उद्घाटन किया गया है दोस्तों, है ना, स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म का जो उद्घाटन किया गया है दिल्ली में किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका स्वास्थ्य मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया है। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री नहीं दोस्तों, जो धर्मेंद्र प्रधान है ये शिक्षा मंत्री है। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के द्वारा ये किया गया था आपका स्वयं प्लस का उद्घाटन नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 23 नंबर, कह रहा है कि हाल ही में चंडीगढ़ के नए मेयर कौन बने हैं? चंडीगढ़ के नए मेयर कौन बने हैं? ऑप्शन देखिएगा, फटाफट आपको जवाब देना है। तो चंडीगढ़ के जो मेयर बने हैं दोस्तों, वो बने हैं कुलदीप कुमार। कहाँ गए कुलदीप कुमार? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, 2024 का जो लोकसभा चुनाव से पहले हुआ था, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और आम आदमी पार्टी के पार्षद कुलदीप कुमार चंडीगढ़ के नए मेयर बने हैं। ठीक है, और ये आपको मामला गया था कोर्ट में, आपको पता ही होगा, तो कुछ गड़बड़ी हुआ था इसमें। ठीक ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव विवाद में सुनवाई पूरी करते हुए आपके जो पार्षद थे कुलदीप कुमार को विजय घोषित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 24 नंबर, कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना शुरू की है? अब लाडली बहन योजना किसने, कौन से किस राज्य में शुरू किया गया है लाडली बहन योजना? तो ये शुरू किया गया है दोस्तों आपको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना की शुरुआत की है, और इस योजना के अंतर्गत 21 साल से लेकर के 60 साल की उम्र की महिलाओं को कुछ निश्चित शर्त के साथ हर महीने ₹1250 दिए जाएंगे। तो ये भी ध्यान रखना है, ₹1250 हर एक महीना दिया जाएगा 21 साल से 60 साल की महिलाओं को। ठीक है, ये लाडली बहन योजना काफी इंपॉर्टेंट योजना है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 25 नंबर, कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रमंडल जो 2022 में हुआ था, और तो इसमें भारत ने दोस्तों कितना स्वर्ण जीता था? 22 गो स्वर्ण जीता था। याद रखिएगा, टोटल स्वर्णों की संख्या कितनी थी? 22 थी। और अगर कहे कि टोटल रजत कितने जीते थे, तो टोटल 16 रजत जीते थे। कांस्य पदक कितने जीते, तो टोटल 23 कांस्य पदक जीते थे। ठीक है, भारत ने, चलिए तो ये रहा आपका, और इसी में दोस्तों महान धावक मिल्खा सिंह जो थे वो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 26 नंबर, की वर्ष 2023 में साहित्य के लिए नोबल पुरस्कार किसे दिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, 2023 में साहित्य का नोबल प्राइज किसको दिया गया है बताइएगा। तो नोबल प्राइज जो दिया गया है, ऑप्शन पढ़िएगा और जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा फटाफट खटाखट। इसका आंसर हो जाएगा आपका जॉन फॉसे, जॉन फॉसे को दिया गया है दोस्तों आपको साहित्य का नोबल प्राइज 2023 को। ठीक है, नॉर्वेजियन लेखक है ये जॉन फॉसे को, है ना, उनकी अभिनव नाटक और गद्य के लिए ये पुरस्कार उनको दिया गया था। नोबेल प्राइज जो है दोस्तों ये कब से दिया जा रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है, नोबेल प्राइज की जो शुरुआत हुई वे हुई थी 1901 में, और 1901 से ये शुरुआत हुई है साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, और स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में दिया जा रहा था 1901 से। लेकिन इसमें एक और जोड़ा गया अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज दिया जा रहा है ये 1969 से दिया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। 1901 से जो दिया जा रहा था वो साहित्य, शांति, रसायन, भौतिकी और स्वास्थ्य में, ठीक है, और विज्ञान में, लेकिन
1969 से आपको रसायन में दिया जा रहा है। भारत के पहले व्यक्ति कौन थे जिनको प्रथम नोबेल प्राइज दिया गया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था साहित्य में गीतांजलि के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 27 नंबर कह रहा है कि भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। एक तो पूछेगा कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। अब 2023 का ये अवार्ड किसको दिया गया दोस्तों, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये दिया गया है वहीदा रहमान को, ठीक है, वहीदा रहमान को दोस्तों ये अवार्ड दिया गया है 2023 वाला, है ना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए 2023 में दिया गया है, और जो ये सम्मान दिया गया है 2023 में ये किस वर्ष के लिए दिया गया है, तो 2021 के लिए दिया गया है 2023 में दोस्तों, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। और 2020 का जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था वो आशा पारेख को मिला था 2022 में, है ना, एक दो साल लेट हो जाता है इसमें। 2021 वाला मिला 23 में जाकर के वहीदा रहमान को, और 2020 वाला मिला था 2022 में किनको, तो आशा पारेख को। इस अवार्ड के प्रथम विजेता कौन थे दोस्तों बताइए, तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो था इस अवार्ड के प्रथम विजेता थे देविका रानी, ये भी कई बार पूछा गया है, देविका रानी, और देविका रानी को दिया गया था 1969 ईस्वी में प्रथम बार ये अवार्ड, ठीक है। चलिए रजनीकांत जो ये अवार्ड जीते थे 2019 में जीते थे। अगला प्रश्न है आपको 28 नंबर की मई 2023 में भारत सरकार ने किस देश में सितवें बंदरगाह के संचालन का अधिकार प्राप्त किया है। अब बताइए दोस्तों सितवें बंदरगाह, अब सितवें बंदरगाह का जो संचालन अधिकार प्राप्त किया है ये मई 2023 में किस देश में प्राप्त किया है, वो देश कौन सा है, वो देश है दोस्तों म्यांमार, ठीक है, हमारा जो पड़ोसी देश है, पूर्वी पड़ोसी देश म्यांमार, वहां से ये प्राप्त किया है, ठीक है, किस देश में सितवें बंदरगाह के संचालन का अधिकार प्राप्त किया है, तो म्यांमार देश से, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर हो गया आपका आंसर नंबर म्यांमार, ठीक है, याद रखना है। म्यांमार जो हमारा दोस्तों पूर्वी पड़ोसी देश है ना, और म्यांमार से कितने राज्यों की सीमा लगती है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ज्योग्राफी से पूछता है कि म्यांमार से कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो फटाफट आप लोग बताइएगा कि म्यांमार से कितने राज्यों की आखिरकार सीमा लगती है, किसी को पता है तो जल्दी से बता दीजिएगा। ये है देखिए हमारा भारत का मानचित्र, और भारत के मानचित्र में दोस्तों यहाँ पर है आपको म्यांमार, है ना, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक म्यांमार फैला हुआ है। सबसे ऊपर मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे नागालैंड, उसके नीचे मणिपुर, और उसके नीचे मिजोरम, तो टोटल दोस्तों यहाँ पर चार राज्य की सीमा लगती है, ये आपको याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, है ना, ये चार राज्य सीमा लगती है। अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 19 सितंबर को मनाया गया विश्व हृदय दिवस 2023 का थीम क्या था, बताइए दोस्तों इसका थीम क्या था, है ना, हृदय दिवस, विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 29 सितंबर को, इसका जो थीम था इसका थीम आपको बताना है यूज हार्ट नो हार्ट, इसका जो थीम था याद रखिएगा यूज हार्ट नो हार्ट इसका थीम था, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। और 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं दोस्तों, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं हम लोग 7 अप्रैल को, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। 22 मार्च को क्या मनाते हैं, पृथ्वी दिवस मनाते हैं, है ना, और 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाते हैं, है ना। अगला प्रश्न है कि मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मधेपुरा में बना है दोस्तों, ये बिहार से संबंधित है, और मधेपुरा में जो लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन जो है इसका जो पावर है वो 12,000 अश्व शक्ति है, 12,000 हॉर्स पावर है दोस्तों, है ना, 12,000 एचपी का है ये, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित विद्युत रेल इंजन की जो रफ्तार है वो 100 से लेकर के 120 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने की क्षमता होती है। तो आंसर हो जाएगा 12,000 हॉर्स पावर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 31 नंबर। तो 10 यहाँ पर हम लोग करेंट अफेयर महत्वपूर्ण देखे, अब यहाँ पर 20 से 25 सवाल हम लोग देखेंगे साइंस के प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न है कि ताप वृद्धि से किसी अर्धचालक की प्रतिरोध क्या होती है, है ना। तो ताप वृद्धि से दोस्तों किसी अर्धचालक की प्रतिरोध क्या होगी, तो अपरिवर्तित करती है, बढ़ती है, घटती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घटती है, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अपना अपना कमेंट भी करते चलना है, ठीक है, यानी कि ऋणात्मक हो जाता है, घट जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका, चलते हैं 32 नंबर पे, कि समान भार वाले दो पिंडों का न्यूनतम द्रव्यमान कहाँ पर होता है। दोस्तों समान भार है, है ना, भार क्या है, दोनों का समान है, तो न्यूनतम द्रव्यमान कहाँ पे होगा, चंद्रमा पे, भूमध्य रेखा पे, कृत्रिम उपग्रह पर या ध्रुव पर। ठीक है, बस आप सुन लीजिए और अगर आप कुछ नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं, आपको सभी चीज याद हो जाएगा। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 32 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ध्रुव पर। ध्रुव पर जो द्रव्यमान होगा दोस्तों वो कैसा होगा, न्यूनतम होगा दोनों पिंड का, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर, है ना। समान भार वाले दो पिंडों का न्यूनतम द्रव्यमान ध्रुव पर होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पवना विद्रोह कब हुआ था, बताइए। तो पवना विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, पवना विद्रोह, ऑप्शन है आपका 1820-23, 1873-76, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1873-76 में ही हुआ था पवना विद्रोह, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर, बिल्कुल सही, ठीक है। और ये पवना विद्रोह जो था दोस्तों ये किसान का विद्रोह था, किसानों ने ये विद्रोह किया था, ध्यान रखना है आपका। चलिए, ये बंगाल में हुआ था आपका, ये भी ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ हुआ था, तो बंगाल में हुआ था। और अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 34 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामलों में अभियुक्त नहीं था। देखिए, काकोरी ट्रेन डकैती जो हुआ था ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को, 1925 में हुआ था आपका, है ना, 1925 में ही हुआ था ये आपका काकोरी ट्रेन डकैती। इसमें कौन नहीं था ये पूछ रहा है, तो इसमें राजेंद्र लाहिड़ी तो थे आपका, रामप्रसाद बिस्मिल भी थे आपका, रोशन सिंह थे, इसमें कौन नहीं थे, तो इसमें भगत सिंह आपके नहीं थे, है ना, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। इसमें भगत सिंह नहीं थे, भगत सिंह जो थे ये लाहौर षड्यंत्र जो केस हुआ था, है ना, उसमें थे आपका, लाहौर षड्यंत्र हुआ था आपका 1929 ईस्वी में, उसमें आपको कौन थे, तो भगत सिंह थे आपका, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 35 नंबर कि ईरान का प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस समद निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर भारत आया था, है ना। ये भी पूछेगा कि अब्दुस समद कहाँ का चित्रकार था, तो ईरान का था, और ये किसके निमंत्रण पर भारत आया था, औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं या अकबर। आंसर क्या होगा आपका 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हुमायूं, है ना, हुमायूं के बुलावे पर ये आपको भारत आपको आया था, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। और अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार यही थे अब्दुस समद, ये भी क्वेश्चन पूछता है, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस समद थे, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों हुमायूं से कि हुमायूं नामा की रचना किसने की थी, तो गुलबदन बेगम, आपको याद ही होगा। और अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 36 कह रहा है कि कठोर जल से कपड़े अधिक कपड़े जो है अच्छे तरीके से साफ नहीं हो पाते हैं, क्यों, है ना, जो जल होता है कठोर होता है उससे जो कपड़ा है वो अच्छा तरीके से साफ नहीं होता है, इसका कारण क्या है, तो
यहाँ पे कारण क्या होगा बताइएगा। ऑप्शन नंबर है, इसका डायरेक्ट मैं आंसर बता देता हूँ, आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। सी नंबर में हो जाएगा कि साबुन जो है दोस्तों ये धूल के कणों पर जुड़ने के बजाय लवणों के साथ अभिक्रिया करके अस्कम का निर्माण करते हैं, इसके वजह से ये हो जाता है आपका, साफ नहीं हो पाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से किस अनुक्रम में नोबल गैस अपने वर्ग में पाई जाती है, है ना, तो किस अनुक्रम में नोबल गैस अपने वर्ग में पाई जाएगी बताइएगा जल्दी से। हीलियम, आर्गन, नियोन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, हीलियम, नियोन, आर्गन, हीलियम, नियोन, क्रिप्टन, ये तो गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। जी हाँ, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा। ये सारे क्या है, तो ये नोबल गैस है आपके, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। और जो अक्रिय गैस है ना, ये आते हैं आपको 18वें वर्ग में आते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, इसमें बहुत सारे अक्रिय गैस में जैसे हीलियम है, तो हीलियम का प्रयोग कहाँ करते हैं, हीलियम का प्रयोग हम लोग वायुयान का जो टायर होता है उसमें भरा जाता है, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, रेडॉन का उपयोग कहाँ करते हैं, तो रेडॉन का उपयोग करते हैं कैंसर के इलाज में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 38 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा सामंगी मिश्रण नहीं है, बताइए कौन सा सामंगी मिश्रण नहीं है, तो क्या होगा, O2 तथा N2 का मिश्रण, पीतल, जल में शर्करा का विलयन, दूध, क्या होगा, तो यहाँ पर जो दूध है दोस्तों ये सामंगी मिश्रण में नहीं आता है, दूध सामंगी मिश्रण नहीं है, तो दूध है क्या, तो दूध एक कोलाइडी विलयन है ना, दूध क्या है, तो दूध एक कोलाइडी विलयन है, दूध दूध जो है ये पायस कोलाइड होता है, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 39 नंबर, कह रहा है 39 नंबर के, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से क्या पदार्थ बनता है, तो शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से दोस्तों क्या पदार्थ बनेगा, कौन सा पदार्थ बनेगा, तो इससे बनेगा विरंजन चूर्ण बन जाएगा, है कि नहीं, इससे क्या बनेगा, विरंजक चूर्ण बनेगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर, आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, विरंजक चूर्ण। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर आपका है, और ये नंबर आपको दिया गया है दोस्तों हमारे करियर परिवार के तरफ से, ताकि आप हमारे व्हाट्सएप में जुड़ सके, वहाँ पर सारे मटेरियल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और करियर परिवार जो हमारा चैनल है, तो इस परिवार से आप जुड़ जाइए, है ना, इस परिवार से आप जुड़ जाइए, और बिल्कुल यहाँ पर पूरी तैयारी हो रही है, शिक्षक से संबंधित जो भी एग्ज़ाम होता है उसकी तैयारी होती है, अभी फिलहाल प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की चल रही है, तो आप इसमें जुड़ जाइए, और पूरा आप जाकर के हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पर सारे आपको मिल जाएंगे, है ना, इसको सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। 40 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कि खाने के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, भी क्वेश्चन दोस्तों कई बार आया है एग्जाम में, है ना, जो खाना वाला जो डिब्बा होता है ना, उस पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, आखिर क्यों होती है, तो इसका जो कारण है वो कारण हो जाएगा कि टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है दोस्तों, इसीलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर 40 का, है ना, 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिंक जो है ये अम्ल और क्षार दोनों में घुल जाता है, जिंक जो है वो अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 41 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन वृद्धि को प्रोन्नत करता है, दोस्तों वृद्धि को प्रोन्नत कौन करता है, यानी कि बढ़ाता कौन है, तो वृद्धि को प्रोन्नत कौन करता है, पीनियल ग्रंथि, अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि या पश्च पिट्यूटरी ग्रंथि, तो पीनियल को जो वृद्धि करता है, कौन पोन्नत करता है, वृद्धि को पोन्नत करता है, आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोन्नत करता है 41 का अग्र पिट्यूटरी, है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा, अग्र पिट्यूटरी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि मूत्र में आरबीसी की उपस्थिति क्या कहलाती है, बताइएगा मूत्र में आरबीसी की उपस्थिति को कहते हैं हिमैट्यूरिया, क्या कहते हैं, हिमैट्यूरिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर, है ना, हिमैट्यूरिया कहा जाता है। चलिए
अगला प्रश्न है आपका कि जिन मुख्यतः अथवा पूर्णतः बना होता है, बताइए जो जिन होता है ये मुख्यतः अथवा पूर्णतः किसका बना होता है? प्रोटीन का, डीएनए का, कार्बोहाइड्रेट का, अमीनो अम्ल का? 43 का क्या होगा? 43 का आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका ये डीएनए का बना होता है। दोस्तों जो भी जीन होता है ये किसका होता है? तो डीएनए का बना होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? है ना, डीऑक्सी कार्बोलिक अम्ल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संघटक नहीं है? है ना, पारितंत्र का संघटक कौन नहीं है? पादप, सूक्ष्म जीव, जंतु या तारा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तारा, है ना। विकल्प में जो है तारा जो है ये पारितंत्र का संघटक नहीं होता है, पारितंत्र का संघटक ये नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 45 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है वो लैंडफिल से उत्पन्न होती है? बताइए लैंडफिल से उत्पन्न होती है कौन सी गैस? मीथेन, तरल पेट्रोलियम गैस, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड? तो लैंडफिल से जो उत्पन्न होती है वो होती है दोस्तों आपको मीथेन गैस, ठीक है। लैंडफिल से जो उत्पन्न होती है वो मीथेन गैस उत्पन्न होती है, है ना, याद रखिएगा। और वीडियो को देखिए अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए, काहे नहीं किए भैया? तो वीडियो को सब लोग लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो 50% लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, है ना। जितने लोग अभी देख रहे हैं कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी थोड़ा बहुत फायदा हो जाए। अगला प्रश्न है 46 नंबर की, सही सुमेलित युग्म का चयन करिए। अब कौन सा युग्म यहाँ पर सही सुमेलित है? है ना, बेशक सभा, जैव विविधता संरक्षण, क्योटो प्रोटोकॉल, जलवायवीय परिवर्तन? जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा है सही सुमेलित वाला, ये को तो मिल गया है। क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था, है ना, ये आपका हुआ था जलवायु परिवर्तन से संबंधित था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ग्लोबल वार्मिंग, रामसर सभा, भौतिक जल प्रदूषण? क्या होगा यहाँ पर आंसर? 46 का आंसर हो जाएगा आपका क्योटो प्रोटोकॉल जो था ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित था, और यही आपका बिल्कुल ही सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47 नंबर, वायुमंडल के उच्चतर स्तरों पर मौजूद ओजोन का उत्पाद है? बताइए दोस्तों वायुमंडल के उच्चतर स्तरों पर मौजूद ओजोन का उत्पाद है ऑक्सीजन पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव, क्या होगा? 47 का जो आंसर हो जाएगा वो, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, है ना, ए वाला ही ऑप्शन आपको बिल्कुल ठीक है कि ऑक्सीजन पर पराबैंगनी यूवी विकिरण के प्रभाव। अगला प्रश्न है आपका 46 हो गया 48 नंबर, 48 है कि भाप आसवन द्वारा पृथक करने के लिए प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। भाप आसवन द्वारा पृथक करने के लिए क्या प्रयोग नहीं होता है? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर पेट्रोलियम का इसमें प्रयोग नहीं होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर, नींबू का तेल, चंदन की लकड़ी का तेल, यानी पेट्रोलियम का प्रयोग इसमें नहीं होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 49 नंबर कि मानव में रोग उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोवा कौन सा है? बताइए मानव में रोग उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोवा कौन सा है? युगलीना है, ट्राइकोनिम्फा है, या फिर लिस्मैनिया है, या फिर एंट अमीबा कोलाई है? आंसर हो जाएगा लिस्मैनिया, है ना, लिस्मैनिया हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 49 का। और अगला प्रश्न है आपको 50 नंबर की, कुशिंग सिंड्रोम के कारण क्या होता है? देखिए कुशिंग सिंड्रोम के कारण जो होता है कार्टिसोल का अधिकतम स्राव होता है इससे, ठीक है, कार्टिसोल का अधिकतम इससे स्राव होता है, इसीलिए आपका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51 नंबर है। यहाँ पर देखिए साइंस के सवाल हम लोग देख लिए हैं और अब जो सवाल हम लोग देखेंगे वो देखेंगे 51 नंबर, और इस परिवार से आप जुड़ जाइए दोस्तों, हमारे कैरियर परिवार को आप जितना से ज़्यादा आगे से आगे बढ़ा सकते हैं इसमें सहयोग करें, आप सभी के लिए ही इतना मेहनत किया जाता है, है ना। प्रश्न कह रहा है कि किसने कांग्रेस से अलग होकर
पृथक कांग्रेस समाजवादी दल का गठन किया था। कांग्रेस से अलग होकर के क्या बनाया? कांग्रेस राष्ट्रवादी दल बनाया। ये किसने बनाया? तो ये बनाने वाले थे पंडित मदन मोहन मालवीय जी, है ना, पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा ये बनाया गया था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ये जो थे ना दोस्तों, एक महान शिक्षाविद थे मदन मोहन मालवीय जी, और इन्होंने 1909 ईस्वी में लीडर समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, है ना। 1909 में लीडर एक समाचार पत्र आया था, वो प्रकाशन कौन किए थे? तो मदन मोहन मालवीय ही किए थे। और इन्होंने दोस्तों हिंदू महासभा नामक संगठन भी बनाया था। हिंदू महासभा नामक संगठन का निर्माण इन्होंने 1915 में किया था मदन मोहन मालवीय ने, और 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिए थे, ठीक है। और इन्हें महात्मा गांधी ने महामना की उपाधि प्रदान की थी। तो मदन मोहन मालवीय को ही कौन सी उपाधि दिया गया था? महामना। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, महामना किनको कहा जाता है? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ये उपाधि किसने दिया? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा ये उपाधि दिया गया था। देखिए मदन मोहन मालवीय जो थे दोस्तों, इन्होंने ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। BHU का नाम सुने होंगे, BHU पढ़े होंगे भी आप लोग, है ना। तो इसकी जो स्थापना हुआ था 1916 में हुआ था, और ये किया था किसने? तो मदन मोहन मालवीय जी ही किए थे, ये आपको ध्यान रखना है। और 1938 तक, है ना, 1938 तक ये कुलपति भी रहे थे BHU के। तो ये BHU के भी थे आपका, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका मदन मोहन मालवीय से कई क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर आपको, हाँ एक चीज और इसमें मदन मोहन मालवीय से जोड़ लीजिएगा कि इनको 2015 में इनको नोबल रत्न दिया गया था ना, सॉरी नोबल नहीं, भारत रत्न, हाँ सॉरी भारत रत्न इनको दिया गया था। भारत रत्न दो व्यक्ति को दिया गया था 2015 में, एक तो अटल बिहारी वाजपेयी थे और एक मदन मोहन मालवीय को दिया गया था। मरणोपरांत इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न चलिए आपका, प्रश्न नंबर है 52 नंबर कह रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले जो सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे, ये तो सबको पता है, लेकिन दूसरे सत्याग्रही जो थे दोस्तों वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके दूसरे सत्याग्रही थे, याद रखना है। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था ये प्रारंभ हुआ था आपको 17 अक्टूबर 1940 को आपको व्यक्तिगत सत्याग्रह ये प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा। चलिए, और ये सबसे पहले हुआ था दोस्तों महाराष्ट्र के पवनार में, है ना, ये शुरुआत हुआ था महाराष्ट्र के पवनार में, और ये विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने थे और दूसरे हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तीसरा सत्याग्रही कौन थे अगर आपसे पूछ लिया जाए तीसरा सत्याग्रही, तो तीसरा थे आपको ब्रह्मदत्त, है ना। तीसरा कौन थे? ब्रह्मदत्त जो थे ये तीसरे सत्याग्रही थे, ये भी आप ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 53 नंबर कह रहा है कि गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? देखिए दांडी मार्च बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 मार्च से शुरुआत होती है 6 अप्रैल तक, है ना। ये दांडी मार्च कब से कब तक चला था ये भी आपको पूछता है, तो 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक, ये सारे सवाल ना एकदम छपेंगे एग्जाम में। 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930, है ना, ईस्वी भी याद रखिएगा, 1930 में हुआ था दांडी मार्च। और जब ये दांडी मार्च हुआ था तो उसमें कितने सहयोगी थे इनके साथ? तो 78 सहयोगी थे, है ना। टोटल कितने इनके साथ सहयोगी थे? 78 सहयोगी थे। उस समय वायसराय हमसे पूछ रहा था, तो वायसराय 1930 में लॉर्ड डफरिन था, है ना, लॉर्ड डफरिन था दोस्तों उस समय। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। तो 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने आपको दांडी पहुंच करके वहां पर ये नमक कानून को मतलब तोड़ करके उसी समय से 6 अप्रैल 1930 से ही दोस्तों इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए थे। तो ये भी कई बार पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 6 अप्रैल 1930 से हुई थी। किसने किया था? तो महात्मा गांधी इसकी शुरुआत किए थे, ठीक है, जब ये नमक सत्याग्रह को वहां पर जाकर के दांडी में तोड़े थे, 6 अप्रैल को ये समाप्त हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है, ध्यान रखिएगा,
है ना। दांडी मार्च के पूर्व गांधी जी ने दोस्तों अंग्रेजों के सामने 11 सूत्री मांग प्रस्तुत किया था और बहुत सारे उसमें मांग था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपको। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 54 नंबर कि गांधी जी ने वर्ष में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों के साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। देखिए अहमदाबाद जो सूती मिल था और वहाँ के जो मजदूर वर्ग थे उनके साथ एक सत्याग्रह किए थे, एक आंदोलन हुआ था, वो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। और ये दूसरा आंदोलन था गांधी जी का, है ना। गांधी जी जब भारत आए थे 1915 में, है ना, तो सबसे पहले इनका पहला जो आंदोलन था वो था चंपारण सत्याग्रह, है ना। पहला सत्याग्रह था इनका चंपारण, और दूसरा जो था दोस्तों वो अहमदाबाद जो गुजरात में है वहाँ पर सूती मिल मजदूरों के साथ लेकर के एक सत्याग्रह हुआ था, है ना, कर को लेकर के, टैक्स को लेकर के हुआ था, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा 1918 में, है ना, ये 1918 में हुआ था आपका, याद रखिएगा, ठीक है। और गुजरात के अहमदाबाद में कपड़ा मिलों के मालिकों और, है ना, वहाँ के जो मालिक थे, अभी भी कपड़ा का मिल जो है सबसे ज़्यादा वो आपका गुजरात में ही मिलेगा, तो वहाँ के मालिक और श्रमिक के बीच में ना प्लेग, मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा फैल गया था दोस्तों, तो उसी को लेकर के प्लेग बोनस को लेकर के विवाद हुआ था, ठीक है, कि इसमें बढ़ाया जाए, है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 55 नंबर कि लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी, है ना। लॉर्ड रिपन ने हंटर कमीशन की नियुक्ति कब किए थे, एक तो याद रखना है कि लॉर्ड रिपन ने किया था हंटर कमीशन की, और कब किया था। तो लॉर्ड रिपन से देखिए और भी बहुत सारा प्रश्न है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1882 में, है ना, इसका आंसर हो जाएगा 1882, ठीक है। लॉर्ड रिपन के समय ही दोस्तों भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी, है ना, जनगणना की शुरुआत भारत में हुई थी 1872 में ही शुरुआत हुई थी, और ये शुरुआत किया गया था लॉर्ड डफरिन के द्वारा, लेकिन आपका लॉर्ड डफरिन नहीं, लॉर्ड मेयो के द्वारा शुरुआत हुआ था, और फिर 1881 में दोस्तों ये नियमित जनगणना शुरुआत हुई थी, किसके द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो नियमित जनगणना यानी कि जो 10 साल पे भी जो जनगणना हो रहा है इसका देन किसका है, तो ये लॉर्ड रिपन का है, इन्होंने ही शुरुआत किया था, ये भी आप ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 56 नंबर है कि 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। काफ़ी प्रश्न बढ़िया है, जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, एक सवाल इससे जरूर पूछेगा एग्जाम में, तो आपको पता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कहाँ, तो अमृतसर में, ठीक है, अमृतसर में ये घटना हुई थी। और ये घटना हुई थी कब, तो पूरा डेट याद रखना है 13 अप्रैल 1919 को, है ना, 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी। और इसमें डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में दोस्तों अमृतसर के जालियांवाला बाग में सभी लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था उन्होंने ही निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया गया था, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु इसमें हो गई थी, ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका था। बहुत इंपॉर्टेंट, ज़्यादा सभी सवाल जो है आपके मॉडर्न से ही हैं और मॉडर्न ही आपके सिलेबस में है, तो बिल्कुल आप ध्यान रखना है, सारे सवाल को एकदम याद कर जाना है। और तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने विधानसभा में जो बम फेंके थे वो कब फेंके थे, वो फेंके थे 8 अप्रैल 1929 को, याद रखना है पूरा डेट 8 अप्रैल 1929 को ये विधानसभा में बम फेंके थे, और इसी के विरोध में, इसी के चलते उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक ना, और फिर इनको फांसी भी दिया गया था, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ये डेट पूछ रहा था 8 अप्रैल 1929 को। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 58 नंबर कह रहा है कि स्वतंत्रता से पूर्व बिहार में आयोजित कांग्रेस के 27वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। चलिए इसको हम लोग पूरा यहाँ पर निचोड़ देते हैं, है ना, पूरा निचोड़ ये है अधिवेशन, क्योंकि बिहार में 2 अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, और ये दोनों अधिवेशन से ना एक अधिवेशन आपको एग्जाम में जरूर पूछेगा, ठीक है। तो ये बिहार में जो अधिवेशन हुआ था, एक तो 27वां अधिवेशन हुआ था, 27वां जो अधिवेशन हुआ था ये रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर की अध्यक्षता में हुआ था, आपका ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए 27वां अधिवेशन जो बिहार में हुआ था ये हुआ था आपको कब, तो 1912 में हुआ था, और 1912 में हुआ था कहाँ, तो पटना में हुआ था, और पटना के बाकीपुर में हुआ था आपको 1912 वाला। लेकिन अगला जो अधिवेशन हुआ था बिहार में वो हुआ था 27वां, ये हुआ था पटना में, और 10 साल बाद 27वां हुआ था ना
1912 में हुआ था और 10 साल बाद 1922 में फिर हुआ था बिहार में ही, और 22 में जो हुआ था ये हुआ था गया में, और गया में जो हुआ था दोस्तों ये हुआ था 38वां अधिवेशन। ठीक है, तो 10 साल बाद याद रखिएगा 1912 में हुआ था पटना में और 22 में हुआ था गया में, और गया में जो हुआ था अधिवेशन इसकी अध्यक्षता किसने किया था तो सी आर दास, याद रखना है ठीक ना। 38वां अधिवेशन 1922 गया में हुआ था और देश बंधु चितरंजन दास इसके अध्यक्ष थे आपके। उसके बाद जो एक और अधिवेशन होता है लेकिन अब वो बिहार से अलग हो गया है, वो हुआ था रामगढ़ में, और रामगढ़ अभी झारखंड में चल गया है, वो हुआ था 53वां अधिवेशन। ठीक है, वो हुआ था 53वां अधिवेशन 1940 में हुआ था दोस्तों, है ना, 1940 में हुआ था 53वां अधिवेशन, और उसकी अध्यक्षता कौन किए थे तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किए थे, और सबसे लंबे समय तक जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे उस टाइम आज़ादी से पहले वो यही थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, क्योंकि 40 के बाद दोस्तों ये अधिवेशन हुआ ही नहीं था, इसीलिए सबसे लंबे समय तक ये रह गए थे आपका। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ से याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 59 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही का दिवस घोषित किया था। तो सीधी कार्यवाही दिवस घोषित किया था किसने किया था, तो आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग ने, और मुस्लिम लीग ने ये कब किया था, 16 अगस्त 1946 को, ये डेट भी आपसे पूछेगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, है ना। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो हुआ था ये कलकत्ता में मनाया गया था आपको, है ना, और ये मुस्लिम लीग के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है आपको 60 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है, है ना, इनमें से किसने जो है वो भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। रंजन गोगोई, एनवी रमना, दीपक मिश्रा, रंगनाथ मिश्रा, आंसर हो जाएगा आपका एनवी रमना, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। न्यायमूर्ति एनवी रमना जो है ये भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ये रह चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला है आपका 61 नंबर कि महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालयी भूल कहा था। ये क्वेश्चन ना बहुत कई बार पूछा है, थोड़ा सा इसमें विवाद भी एक बार हुआ था, आंसर हो जाएगा इसका हिमालयी भूल जो कहे थे ये चौरी चौरा कांड को कहे थे, है ना, और एक बार बीपीएससी ने इसका आंसर बदल दिया था लेकिन बिल्कुल ये सही आंसर हो जाएगा, चौरी चौरा कांड को इन्होंने क्या कहा था, हिमालयी भूल कहा था। और ये कांड कब हुआ था तो 5 फरवरी को हो गया था 1922 में, ठीक है, 5 फरवरी 1922 को हुआ था चौरी चौरा कांड, ठीक है, और ये कहाँ है, गोरखपुर के यूपी में है, वहीं पर ये घटना हो गया था आपको, ठीक है, याद रखना है। फिर चौरी चौरा कांड से ही मतलब गांधी जी आहत होकर के इन्होंने 12 फरवरी को 1922 को ये जो असहयोग आंदोलन था इसको क्या कर लिए थे, वापस ले लिए थे, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। चलिए, और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 आपको याद रखना है, है ना। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दिया गया था, 23 मार्च 1931 को, याद रखिएगा, है ना, किसके लिए दिया गया था, लाहौर षड्यंत्र के अंतर्गत दिया गया था 23 मार्च 1931, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी। अगला प्रश्न है, बीच बीच में रिविजन करते चलूंगा, और ये हमारा जो चैनल है दोस्तों इसको सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा, ये हमारा नंबर है जहाँ आपको सारे PDF मिल जाएंगे, है ना, अभी ऑफर है तो इस ऑफर का जल्दी लाभ आप उठा सकते हैं, ओनली 251 ये ऑफर है, है ना। तो चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि भारत के सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं। देखिए, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी जो होता है ये 3 प्रकार का होता है, एक तो सक्रिय है, एक मृत है और एक सुसुप्त है, है ना। सक्रिय का मतलब क्या है, वहाँ से ज्वालामुखी लगातार निकल रहा है, मृत का मतलब वो मर गया है मतलब वहाँ से नहीं निकल रहा है, सुसुप्त मतलब वहाँ से कभी कभी निकलते रहता है, ठीक है। तो सक्रिय ज्वालामुखी जो भारत में है वो भारत में एकमात्र है दोस्तों, वो है अंडमान निकोबार में, है ना, अंडमान निकोबार में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो आपको याद रखना है, और इसका नाम है बैरन, ठीक है। बैरन जो है ये ज्वालामुखी है आपका, है ना, ये अंडमान निकोबार में है बैरन। आपको देखिए बैरन है और नारकोंडम है, नारकोंडम जो है ना ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है, और बैरन जो है दोस्तों ये मृत सक्रिय ज्वालामुखी है, है ना, ये ध्यान रखना है आपको। और ये कहाँ है तो ये बंगाल की खाड़ी में है, है ना, बंगाल की खाड़ी में, तो ये तो आपको पता ही होगा, यहाँ पे है दोस्तों, ये है अंडमान निकोबार और यहाँ पे आपको बैरन आपको मिलेगा सक्रिय ज्वालामुखी आपको। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 63 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ जो है वो मेघालय में स्थित नहीं है,
अब देखिए मेघालय में ना, नाम ही इसका मेघालय यानी कि मेघों का घर है। सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है विश्व में, तो वो मेघालय में ही होती है, मासिनराम में होती है। ठीक है, 1100 सेंटीमीटर से यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, है ना। लेकिन बिहार में अभी सुखाड़ है, अभी तक यहाँ पर बोनी भी नहीं हुआ है। तो कौन सी पहाड़ी जो है मेघालय में नहीं है, तो गारो है, खासी है, जयंतिया है। दफला जो पहाड़ी है दोस्तों, ये मेघालय में आपको नहीं पड़ता है, है ना। गारो, खासी, जयंतिया, मैंने कई बार बताया हूँ, गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों पहाड़ी होने के वजह से ही ये जो मेघालय में है वर्षा अधिक होती है ना, क्योंकि यहाँ पर ये जो तीनों पहाड़ियाँ हैं ना, यहाँ पर जब मानसून जाती है तो मानसून वहाँ से निकल नहीं पाती है। ठीक है, और वहाँ पर ही घूमड़ घूमड़ के वर्षा होते रहता है, और यही कारण है कि वहाँ पर अधिक बारिश हो जाती है। ठीक है, फिर धीरे 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 वो बंगाल की ओर मुड़ती है मानसून, और बंगाल, बिहार होते हुए फिर यूपी होते हुए आपको आगे बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये तीन पहाड़ियाँ वहाँ पर है, गारो, खासी, जयंतिया, यहाँ पर दफला नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये दफला पहाड़ियां है कहाँ दोस्तों, ये दफला पहाड़ियां हैं आपको अरुणाचल प्रदेश में है, है ना। दफला जो पहाड़ियां हैं ये आपको पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। दफला जो है ना, एक जनजाति है। ठीक है, इस जनजाति के नाम पर ही पड़ गया है आपको दफला, और दफला एक पहाड़ी भी है, दफला जनजाति भी है, है ना। और ये असम और अरुणाचल के दोनों में मतलब लगभग फैला हुआ है, इसे ज़्यादा करके अरुणाचल ही आपको ऑप्शन में दिया हो जाएगा। ठीक ना, इसका कुछ भाग आपको असम में भी आ जाता है। अगला प्रश्न है 64 नंबर, करें कि बिहार में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किस जिले में होता है। देखिए, बिहार में चाय कहाँ होगा, जो बंगाल से सटा हुआ जिला होगा वहीं पर चाय हो सकता है, ऐसा थोड़ी है कि आपको कहीं भी हो जाएगा, कहीं नहीं होगा, जो बंगाल से सटा हुआ जिला है, क्योंकि चाय होता है बंगाल में, और बंगाल में होता है दार्जिलिंग में, और वहाँ से सटा हुआ जिला एकमात्र है हमारा किशनगंज, है ना। एकमात्र जो जिला है वो है किशनगंज। अगर बिहार का मानचित्र अगर देखिएगा तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको मिलेगा किशनगंज, और यहाँ पर है दोस्तों बंगाल, तो सबसे सटा हुआ जिला आपको किशनगंज ही है, तो किशनगंज में ही आपको बिहार में चाय होता है। तो बिहार में भी चाय होता है, कहाँ, तो किशनगंज में। और बिहार का चेरापूंजी इसको कहा जाता है ना, याद रखिएगा, बिहार का चेरापूंजी किसको कहते हैं, तो वो किशनगंज को ही कहा जाता है। और यहाँ की मिट्टी और वातावरण जो है ना, ये दोनों चाय की खेती के लिए उपयुक्त है इसीलिए। ठीक है, चलिए, चाय की खेती के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो ज़्यादा नहीं चाहिए, 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, और वर्षा इसको 150 से 250 सेंटीमीटर इसको वर्षा चाहिए। और चाय के लिए क्या होना चाहिए, ढलुआ खेती होनी चाहिए। तो किशनगंज जो क्षेत्र है थोड़ा सा ये पहाड़ी इलाका है ना, तो यहाँ पर ढलुआ होना चाहिए तभी हो पाएगा, अन्यथा वहाँ पर पानी जमा हो जाएगा तो वो फिर चाय नहीं हो पाएगा दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है आपको 65 नंबर, 65 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बसंत विषु के अगले दिन यानी कि 22 मार्च से भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर वर्ष का कौन सा पहला महीना शुरू होता है। देखिए, 22 मार्च से भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का जो पहला महीना शुरू होता है वो कौन सा होता है, सबको पता है कि चैत से शुरुआत होती है, है ना। सबसे पहला जो महीना होता है वो होता है चैत्र, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि भार पूरे जो पृथ्वी हमारी है, है ना, हमारी जो पृथ्वी है, तो दिन रात बराबर कब होता है, दिन रात बराबर कब होगा, है ना, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री की आधा ऊपर और आधा क्या है नीचे, जब सूर्य चमकेगा बीच में, है ना। सूर्य कहाँ चमकेगा दोस्तों, एकदम बीच में चमकेगा, तो दिन रात बराबर होगा। और बीच में कब कब चमकता है, तो दो बार चमकता है, 21 मार्च, है ना, सूर्य जो है बीच में यानी कि 0 डिग्री, 0 डिग्री यानी कि विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा पर दो बार, 21 मार्च, और कब चमकेगा, तो 23 सितंबर, है ना, 21 मार्च और 23 सितंबर को ये चमकता है। तो दिन रात बराबर होगा दोस्तों कब, 21 मार्च और 23 सितंबर को। अगर कहे कि दोस्तों ये कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो कर्क रेखा पे सूर्य कब लंबवत चमकती है, तो कर्क रेखा पर आपको 21 जून को चमकती है। और ये नीचे है आपको मकर रेखा, तो मकर रेखा पर कब चमकती है आपको, 22 दिसंबर को चमकती है, ना, याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है अगला 66 नंबर। 66 नंबर प्रश्न है कि बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल किस ओर है। ना, देखिए, बिहार के दक्षिण गंगा मैदान, उत्तरी गंगा मैदान और दक्षिण गंगा मैदान, गंगा जो है ना बिहार के बीचों बीच से बहती है, तो दक्षिण गंगा मैदान की औसत ढाल आपको पूछ रहा है किस ओर है, तो ढाल किधर रहेगा। 66 का आंसर हो जाएगा दक्षिण से उत्तर की ओर है।
ठीक है, याद रखिएगा दक्षिण से किधर है, उत्तर की ओर है। अब देखिए इसको कॉमन सेंस लगाने वाली बात है, जैसे कि ये है बीचों बीच से आपको गंगा नदी बह गई, इसका ढाल किधर हो गया, दक्षिण से उत्तर की ओर। तब ना दोस्तों सोन नदी इधर की ओर बह रहा है, पुनपुन नदी इधर बह रहा है, आपको फल्गु नदी इधर बह रहा है, सब जाके गंगा में मिल रहा है, और छोटी छोटी और भी नदियां हैं। अब ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है तब तो ये गंगा नदी में जाके मिल रहा है, इसका डायरेक्शन ऐसे है। अगर कहें दोस्तों कि उत्तर गंगा का मैदान, तो उत्तर गंगा का मैदान हो जाता उत्तर से दक्षिण की ओर, तब तो आके गंगा में मिल रहा है, उत्तर से दक्षिण की ओर ढाल है, है ना, ये कॉमन सेंस लगाने वाली चीज है। अगला प्रश्न है आपका 67 नंबर, कह रहा है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है। बहुत बढ़िया है, सिक्किम से मैंने कई बार फिगर से बताया हूँ, फिगर से एक बार फिर से देखो, थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको, है ना, पूरा आपको याद हो जाएगा। छोटा सा एक फिगर बनाते हैं फटाफट, है ना, आप लोग भी फिगर बनाने आता है कि नहीं, नहीं आता है सीख लीजिएगा। देखिए ये राज्य है आपको सिक्किम, है ना, सिक्किम कौन सा है, ये है आपका सिक्किम। सिक्किम जो है ना ये तीन देशों से घिरा हुआ है, सिक्किम जो है ये तीन देश से घिरा हुआ, कौन कौन, तो इधर है आपको नेपाल, ऊपर में आपका चीन, और ये साइड है आपका भूटान, है ना, तीन देश से आपको सिक्किम घिरा हुआ है। हमको पूछ रहा था राज्य, और राज्य मात्र एक है इसका नीचे वाला, और नीचे कौन सा राज्य है, तो नीचे राज्य है आपको वेस्ट बंगाल, है ना, वेस्ट बंगाल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मात्र एक हो जाएगा। ठीक है, 67 का क्या हो जाएगा, मात्र एक राज्य से ये सीमा बनाती है दोस्तों सिक्किम, वो राज्य है आपको पश्चिम बंगाल। और कितने देश से सीमा बनता है इसका, तीन, कौन कौन, तो नेपाल, चीन और भूटान। ठीक है, चलिए त्रिपुरा कौन, त्रिपुरा एक ऐसा मतलब कि राज्य है जो तीन ओर से दोस्तों बांग्लादेश से घिरा हुआ, याद रखिएगा, इधर बांग्लादेश, इधर बांग्लादेश, इधर बांग्लादेश, ये जो दिख रहा है ना ये त्रिपुरा है आपको, तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि पाकिस्तान से कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो पाकिस्तान से तीन राज्य की सीमा लगती है, कौन कौन, तो एक तो हो गया गुजरात, एक हो गया राजस्थान, एक हो गया पंजाब, और दो केंद्र शासित प्रदेश, एक हो गया जम्मू कश्मीर, एक हो गया लद्दाख, है ना, दो केंद्र शासित प्रदेश और तीन राज्य की सीमा लगती है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर है आपको 68 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श मानी जाती है। अब देखिए कपास उगाने के लिए तो सबको पता है कि काली मिट्टी चाहिए कपास के लिए, लेकिन काली मिट्टी के लिए, है ना, और भी यहाँ पर क्वेश्चन कई बनता है, कपास के लिए चाहिए काली मिट्टी, और काली मिट्टी कहाँ है भारत में, तो भारत में काली मिट्टी आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र मिलेगा काली मिट्टी, और महाराष्ट्र में काली मिट्टी है इसीलिए यहाँ पर कपास ज़्यादा होता है, और गुजरात में भी काली मिट्टी बहुत है। अभी वर्तमान में अगर कहें कि कपास उत्पादन में प्रथम कौन है, तो प्रथम अभी गुजरात है। ठीक है, प्रथम अभी गुजरात है, क्योंकि आपका जो महाराष्ट्र है वो पीछे हो गया है। ठीक है, गुजरात आगे निकल गया है, ठीक ना, याद रखना, इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, जो काली मिट्टी होता है ना दोस्तों, वो काफी चिपचिपा होती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर आपको सी हो जाएगा, काली मिट्टी काफी चिपचिपी होती है, इसी को कहा जाता है स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, चेरनोजेम मिट्टी भी इसको कहा जाता है, आपको रूस में चेरनोजेम मिट्टी कहते हैं इसको, कपासी मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी भी कहते हैं, है ना, बहुत सारे इसका नाम है। और इसका जो निर्माण होता है, वो निर्माण होता है कैसे, ज्वालामुखी क्रिया से होता है, जब ज्वालामुखी फटता है दोस्तों, है ना, जब जब लावा पृथ्वी पर आके जम जाती है, और फिर धीरे 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 वो लावा जब टूटती है, है ना, सूखने के बाद, पत्थर बनने के बाद जब वो टूटती है, तो वो उसी के टूटने फूटने से क्या बनता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है आपका 69 नंबर, 69 कह रहा है कि सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किन राज्यों को कवर करता है। देखिए सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध एक तो है कि ये किस नदी पर है, तो ये नर्मदा नदी पर है, है ना, सरदार सरोवर किस पर है, नर्मदा नदी पर है। ठीक है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो नर्मदा नदी जो निकलती है ये मध्य प्रदेश से निकलती है ना, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो नर्मदा नदी दोस्तों आपको मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश के कहाँ से, तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से, ये है अमरकंटक, और यहाँ से निकलती है और पश्चिम दिशा में बहती है, है ना, पश्चिम दिशा में बहती है, और यहाँ पर खंभात की खाड़ी के पास गिर जाती है, और ये ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। ठीक है, याद रखना है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा है कि कितने राज्यों को कवर करती है, तो कवर करती है ये गुजरात को, राजस्थान को, महाराष्ट्र को और मध्य प्रदेश को, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल सही, गोवा नहीं होगा, पंजाब नहीं होगा, है ना, ऑप्शन को छाट दीजिएगा, यहाँ पर निकल जाएगा, यहाँ पर आसपास में कौन दिख रहा है, तो ये मध्य प्रदेश चल ही रहा है, यहाँ तो होगा ही, है ना, उसके अलावा ये राजस्थान यहाँ पर है, थोड़ा बहुत इसका ही भाग आ जाता है, गुजरात में भी इसका है, महाराष्ट्र भी है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। नर्मदा बचाओ आंदोलन भी हुआ था, मेघा पाटेकर थे आपको, ठीक है, याद रखिएगा, नर्मदा बचाओ, नर्मदा घाटी, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा आपको कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी, तो भारत की सबसे पहली जो बहुउद्देशीय परियोजना थी दोस्तों, वो थी आपको DVC,
है ना, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, है ना। सबसे पहले जो बहुद्देशीय परियोजना बनाया गया था वो दामोदर नदी पर बनाया गया था, क्योंकि दामोदर नदी से बंगाल में ना काफ़ी उत्पात हो जाता है ना, इसीलिए बंगाल का शोक कहते थे दामोदर नदी को, क्योंकि वहाँ पर जाकर के बहुत ज़्यादा जानमाल की क्षति होती थी, ठीक है। तो इसीलिए भारत में पहला जो बहुद्देशीय परियोजना बनाया गया था वो दामोदर नदी पर बनाया गया था, DVC, इसलिए कहते थे DVC इसलिए कहते थे क्योंकि TVC के तर्ज पर इसको बनाया गया था, टेनेसी वैली कॉरपोरेशन। टेनेसी नदी है आपको अमेरिका में, उस पर सबसे पहले बना था आपको बांध, और उसी का कॉपी किया गया था भारत में आपको दामोदर नदी पर आपका, ठीक है। ये बनाया गया था आपको जवाहरलाल नेहरू के समय 1948 में ही, और जो जवाहरलाल नेहरू थे इस परियोजना को क्या कहे थे, आधुनिक भारत का मंदिर, है ना, आधुनिक भारत का मंदिर कहे थे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर आपको 70 नंबर, कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए हुए उद्देश्य प्रस्ताव आधारित है। देखिए भारत जो संविधान में था उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, है ना, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष पेश किया गया था, वो पेश किया गया था किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। और ये पेश कब किया गया था दोस्तों, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी इसको पेश किए थे 13 दिसंबर 1946 को, ये डेट आपको कई बार एग्जाम में पूछा है, 13 दिसंबर 1946 को ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे, और यही उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों ये प्रस्तावना बाद में बना था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम बैठक कब हुई थी संविधान सभा की, तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी, दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई थी, और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसी में आपको इन्होंने प्रस्तुत किया था आपको उद्देश्य प्रस्ताव को, और उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया था दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछता है ना, प्रस्तुत तो 13 दिसंबर को हुआ था, इसको स्वीकार किया गया था संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को आपको, 22 जनवरी 1947 को इसको मतलब कि स्वीकार कर लिया गया था उद्देश्य प्रस्ताव को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 71 नंबर, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, आप लोग इतना मेहनत आप सभी के लिए किया जाता है, थोड़ा सा एक वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों को शेयर कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। 9 बजे से आपकी डेली क्लास होती है ना, 9 बजे रात में डेली क्लास होती है, दिन में नहीं रात में, है ना, दिन में तो आप लोग स्कूल में रहते हैं तो रात में डेली क्लास होती है, इसीलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, 9 बजे आपको डेली नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाएगा। प्रश्न 71 नंबर दोस्तों की मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए किस वर्ष एक समिति का गठन किया गया था। देखिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था एक मसौदा, और यह हुआ था एक समिति का गठन जो हुआ था, यह हुआ था आपका 1928 में, ठीक है। यह गठन कब हुआ था, 1928 में एक समिति का गठन किया गया था मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, याद रखना है। साइमन कमीशन कब आया था भारत, तो साइमन कमीशन जो गठन हुआ था यह हुआ था 27 में, और यह भारत कब आया था, तो यह भारत आया था 28 में, है ना, भारत आया था यह 28 में, याद रखना है। फिर इसका जबरदस्त विरोध भी हुआ था, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं थे, सारे इसमें अंग्रेज थे आपके। और अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 72 नंबर, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को याचिकाएं जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, है ना, तो वो कौन सा अनुच्छेद है जहां उच्चतम न्यायालय को याचिकाएं जारी करने की शक्ति दी गई है, वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद नंबर 32। देखिए अनुच्छेद 32 में दोस्तों मतलब कि रीट के बारे में आप लोगों को कई बार बताए हैं कि जो हमारे मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो 5 प्रकार की रीट की व्यवस्था की गई है ना, 5 प्रकार की जो रीट की व्यवस्था की गई है, और इसमें अगर आपका हनन होता है तब सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में रीट दायर कर सकते हैं, और अगर उच्चतम न्यायालय के द्वारा रीट दायर करते हैं तो अनुच्छेद 226 के तहत आप इसमें रीट दायर कर पाइएगा, ठीक है। तो उच्च न्यायालय 1926 और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत ध्यान रखना है रीट दायर एक शक्ति प्रदान की गई है, याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर कितना हो जाएगा 73 नंबर, 73 नंबर प्रश्न है कि धारा 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप में निलंबित हो जाते हैं। देखिए धारा जो 19 है तो 19 के तहत जो गारंटीकृत सभी जो मौलिक अधिकार है वो भारत के संविधान अनुच्छेद 352 के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाता है, और अनुच्छेद 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपात, अगर भारत में राष्ट्रीय आपात लगता है तो इसको निलंबित सारे अनुच्छेद को कर दिया जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ कुछ जो है उसको निलंबित नहीं किया जाता है, बाकी इसमें कर दिया जाता है। मौलिक अधिकार जो हमारा है ये अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन है, और मौलिक अधिकार भाग कितने में है, तो ये भाग 3 में है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों भाग 3 में।
अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 74 कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान जो है वो संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। कौन सा जो प्रावधान है ना भारतीय संविधान के वो साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन कर सकते हैं। तो साधारण बहुमत से संशोधन करेंगे संसद में गणपूर्ति यानी कि कोरम को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए संसद में गणपूर्ति क्या है, तो संसद को चलाने के लिए संसद में जितने सदस्य हैं तो संसद को चलाने के लिए कम से कम 10% सांसद को उपस्थित होना जरूरी है, तभी संसद चल सकता है, यानी कि 1/10, इसी को कहा जाता है गणपूर्ति। कुल सदस्य का कितना, तो 1/10, यानी कि मुख्य विपक्षी दल की मान्यता, और ये तो हो गया 1/10 उपस्थित होना चाहिए, लेकिन अगर कहे दोस्तों कि विपक्ष के लिए कितना होना चाहिए, तो मुख्य विपक्षी दल की मान्यता के लिए 55 लोकसभा में सदस्य होना चाहिए, यानी टोटल सीट का 10%। तो इस बार तो टोटल सीट का 10% आ गया है, लेकिन पिछला बार नहीं था, है ना। 55 सीट टोटल होना चाहिए विपक्ष को, तभी वो विपक्ष में मतलब मुख्य विपक्षी के रूप में वहां पर वो रह सकता है, ठीक है। तो इस बार तो विपक्ष हो गए हैं, विपक्ष काफी मजबूत है इस बार, है ना। तो देखते हैं क्या क्या होता है। और अगला प्रश्न है आज का लास्ट प्रश्न है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग लास्ट में जरूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और जो भी आपको कमेंट करना हो नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा। प्रश्न है आज का लास्ट है 75 नंबर कि अल्पसंख्यकों से संबंधित मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में। देखिए अल्पसंख्यक से संबंधित अनुच्छेद जो है ये अनुच्छेद कितने में है। अल्पसंख्यक किसको कहेंगे, अल्पसंख्यक का मतलब होता है जिसकी अल्प मतलब कम और संख्यक मतलब संख्या, जिसकी संख्या कम हो। अल्पसंख्यक में देखिए मुस्लिम भी आता है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, सिख है, है ना, ये सारे जो हैं ये अल्पसंख्यक में आते हैं, ठीक है। और ये अनुच्छेद कितने में है दोस्तों, ये हमारे अनुच्छेद 29 और 30 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 29-30 में, अनुच्छेद 29 में क्या वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 29 में है कि अल्पसंख्यकों के भाषा उसकी लिपि और संस्कृति से संबंधित, और अनुच्छेद 30 में क्या है, तो अनुच्छेद 30 में है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यकों वर्गों के अधिकार, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 30 में है ना। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भाग कितने में मौलिक अधिकार, 3 में है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 35 तक है, याद रखिएगा, है ना। चलिए तो ये रहा आपका 75 प्रश्न हो गया है, और इसका आंसर दे दिया गया, इसको आप टेस्ट के रूप में लगाइएगा और ये पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसका PDF आपको मिल जाएगा हमारे नंबर पे, जो हमारे पुराने टीचर हैं अगर वो देख रहे हैं और अभी तक नहीं लिए हैं नया वाला PDF, तो 101 मात्र इसमें चार्ज था, आप ले लीजिए, अब 2-4-5 दिन 10 दिन बचा है, ठीक है। तो इसमें आपको मिल जाएगा 101 मात्र, और जो लोग नए हैं उनको मात्र 251 कर दिया गया है, ये 399 पहले चार्ज था, अब इसको 251 मात्र है। आप लेख से करके जितना जल्दी हो सके इसको रिवीजन कर लीजिए, काफ़ी आपको हेल्प होगा। और हमारे जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाइएगा, तो वहाँ पर सारा वीडियो भी मिल जाएगा, और हम भी आपको भेज देंगे क्रम से, है ना, ताकि आपको रिवीजन करने में काफ़ी सहूलियत होगा। और PDF भी आपको दोस्तों मिल जाएगा, DLED का भी, समान अध्ययन का भी, यूनिट वाइज मिल जाएगा, सारे आपको प्रश्न क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव भी, आपका वन लाइनर भी, ठीक है। कैसे आपको इसमें जुड़ना है, तो ये नंबर आपको दिया गया है, है ना, फ़ोन पे गूगल पे के माध्यम से इस नंबर पे आपको, अगर पुराने पहले से जुड़े हुए हैं तो 101 पे करना है, अगर नहीं कभी जुड़े हैं तो ओनली 251 करना है, ठीक है। तो ओनली 251 के पे करके आपको इस नंबर पे, और व्हाट्सएप भी हमारा यही नंबर है, तो व्हाट्सएप पे आप हमें स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा ताकि आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाए, ठीक है। और स्क्रीनशॉट भेजिएगा तभी ग्रुप में जोड़ा जाएगा और PDF नोट्स आपको मिल जाएगा। चलिए तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में कल। और आप लोग अपना अपना एडमिट कार्ड सब लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, एडमिट कार्ड आ ही गया है सब लोग का, और अभी आपको जिला पता चल गया होगा, फिर बाद में आपको 25 तारीख से सेंटर पता चल जाएगा, है ना, उसका लिस्ट हम आप लोग को भेज देंगे, लिस्ट आ जाता है, ठीक है। वो कोड अभी दिया गया होगा, जिला का कोड दिया होगा, सेंटर कोड, वो कोड पता चलेगा आपको 25 तारीख के बाद, और 27 लास्ट डेट है, तो 27 से पहले आप अपना एडमिट कार्ड फिर जरूर से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, अन्यथा फिर डाउनलोड नहीं होगा, ठीक है। और जो उसमें अगर फॉर्म भरते समय गड़बड़ हो गया है तो उसमें सुधार करके कर लीजिएगा, है ना, साइबर कैफेस करवा लीजिएगा, एक वीडियो भी हम छोटा सा बनाए थे वो देख लीजिएगा कैसे उसमें करना है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, गुड नाइट।